अनिल कपूर की रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है। आलम यह है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 बंद होने के कगार पे आ गया है। दरअसल अरमान मलिक और कृतिका मलिक के इंटीमेट सीन की वजह से ये सारा बवाल मचा है। अब मुंबई शिवसेना सचिव और प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा कायंदे ने सोमवार को रियलिटी शो के बारे में मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से शिकायत की है। उन्होंने शो को बंद करवाने की मांग की है। दरअसल कुछ दिनों पहले बिग बॉस के घर से अरमान मलिक और कृतिका मलिक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों काफी इंटीमेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में पहले ही वो दोनों जमकर ट्रोल हो चुके हैं, लेकिन अब शिवसेना ने वार किया है। दरअसल शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने ओटीटी शो बिग बॉस सीजन 3 के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि रियलिटी शो में अश्लीलता दिखाई जा रही है। ऐसे में उनका आरोप है कि YouTube इन्फ्लुएंसर की ऐसी हरकतें लोगों पर बुरा असर डाल रही है। शिवसेना सचिव डॉक्टर मनीषा कायंदे ने शिकायत में कहा है कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, जिसके कंटेंट में अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी है। उनका कहना है कि बिग बॉस के घर में ऐसी सीन दिखाए जा रहे हैं जो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। इससे लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे से लेकर यंग जनरेशन और बुजुर्ग लोग भी शो को देखते हैं, इसलिए ऐसे सीन देखकर उनके दिमाग पर बुरा असर हो सकता है। अब शिवसेना सचिव ने मीडिया को दिए बयान में ये खुलासा किया है कि उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त को इस बारे में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने ऐसे अश्लील कंटेंट दिखाए जाने वाले शो को तुरंत बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तुरंत इस रियलिटी शो पर संज्ञान ले और इसे बंद करवाए। शिवसेना नेता की मांग है कि ऐसा शो बनाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।